स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। मैं इस जे एडवांस लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। तो यश का डाउट क्या है? यश का डाउट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ने पूछा है कि एफ डैश थ्री निकालो और कंडीशन दे रखी है x 0 से बड़ा है। सही बात है, रूट के अंदर अगर x 0 से बड़ा है तभी तो वो फंक्शन डिफाइन होगा। अपन को f डैश 3 निकालना है, तो दिमाग जाता है कि f डैश x निकाल लूं। अगर f डैश x आएगा और उसमें x इक्वल टू 3 रख देंगे तो क्या आएगा? f डैश 3। तो कैसे करें? देखो, ये x के मल्टीप्लाई में ऑल है, तो x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, देन एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या? रूट एक्स रूट एक्स चलता रहेगा ऐसे ही, रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, ये रूट है, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं या फिर रूट इधर ले आओ, स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो देखो, ये एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? एफ एक्स ही है। एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट तक, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एफ एक्स है। तो ये वैसा ही तो एक्सप्रेशन बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है? एफ एक्स। तो एफ एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ एक्स। ठीक है, ये प्लस का एफ एक्स इधर ला रहा हूँ तो क्या आएगा? माइनस का एफ एक्स। देन एफ एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो कितना इजी हो गया, एफ डैश थ्री निकालना, ध्यान रखना। अब देखो, इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन आ रहा है, एफ एक्स कॉमन ले लिया। जैसे ही एफ एक्स कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। तो फिर से फैक्टर बन गया, या तो ये जीरो ये जीरो। एफ एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी? जब एक्स जीरो हो। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स क्या हो ग्रेटर देन जीरो, ये दे रखा है। भाई अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूँ तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो कब हो सकता है? जब एक्स जीरो रूट जीरो 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 समथिंग जीरो, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्स तो जीरो से बड़ा है तो एफ एक्स जीरो नहीं होगा, इसको तो ये इसको जीरो नहीं होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जीरो नहीं होगा, यानी ये जो फैक्टर बना है ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो इसको जीरो कर देते हैं, एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। देन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का वन। एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का वन। देन एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वन से कर रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई। देन एफ डैश एक्स क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया टू एक्स। पूछा एफ डैश थ्री, तो एक्स की जगह थ्री पुट कर रहा हूँ, तो एफ डैश थ्री क्या आ जाएगा? टू इंटू थ्री सिक्स। ठीक है, अगर आपको डाउट सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।